ठीक ठाक देखिए ये लोग मेरे को उतार दिए हैं गाड़ी। हेलो गाइस, मैं नीलम चौहान आपका दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नीलम चौहान ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जा रहे हैं दुर्गापुर घूमने के लिए। ओह गॉड, मेरा पर्स भी अभी गिर जाता, अच्छा हुआ बच गया। और पता है ना, अभी चलते हुए बाइक से ब्लॉगिंग करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अब हम लोग दुर्गा पुर जा सकते हैं। अरे मेरा मतलब अरबन हाई बाइक में या स्कूटी है, गाड़ी तो है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कुमार मंगलम पार्क के पास आई हूँ। और ये लॉकडाउन के टाइम से ही बंद हो गया था, उस टाइम सारा स्कूल कॉलेज पार्क सब बंद हो गया था, उस टाइम ये भी बंद हो गया था और अभी तक नहीं खुला था। मतलब सारे स्कूल कॉलेज खुल गए लेकिन ये पार्क जो नहीं खुला था। ये दुर्गापुर का सबसे बड़ा पार्क है और ये मेरा फेवरेट पार्क था, मतलब कि है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करती क्योंकि मैं यहाँ पे मिक्स चाउमीन खाने के लिए आती थी फ्रेंड्स। तो यहाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी मिक्स चाउमीन मिलता है, मैं और मेरे हस्बैंड मतलब हमेशा यहीं पे आते हैं। और फाइनली ये गुड न्यूज है, जल्दी आइए जल्दी जल्दी। और ये है, खुलने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये कब खुलेगा। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे आ रहे थे, वो लोग के लिए गुड न्यूज है कि फाइनली ये पास खुलने वाला है। और क्या बोलूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। न्यू ईयर आ रहा है ना, न्यू ईयर आ रहा है तो हम लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मॉल। इनसे सबर नहीं हो रहा है, रुको जरा सबर करो, थोड़ा देर में हो जाएगा ओपन। थोड़ा देर में नहीं, अभी टाइम लगेगा, अभी कमिंग सून में है, बंद नहीं हुआ, रीओपन होने वाला है। ये तो काफी लगभग एक लॉकडाउन से ही बंद है। उसके बाद देखिए ना, अभी रीओपन होने वाला ये वाला। हाँ, नहीं खा पाए तो अब हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय बाय। Thank you.
और ये तो चाइनीज भी यहीं पे है ना। बेटी तुमको क्या खाना है? तुमको क्या खाना है? चाउमीन खाना है। इसको क्या खाना है तुमको? चाउमीन और बिरयानी का ऑर्डर देंगे। पानी का क्या चाहिए आपको? क्या आपको क्या खाना है? बिरयानी आप ही के लिए ऑर्डर हुआ है। बिरयानी आप ही खाएंगे? बिरयानी आप ही खाने वाले हैं? और स्वीटी खाने वाली है चाउमीन, लेकिन मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया गया है क्योंकि वो तो डाइट पे है ना। हाँ, आप डाइट पे है ना, आगे का वीडियो में दिख जाएगा। वही काम नहीं खाते। कैमरा ऑन ही रहेगा क्या? कैमरा स्वीटी ऑन ही। चाउमीन नहीं हुआ है तो वो ऐसे ही आ रहा है। चाउमीन नहीं हुआ है अभी, इसमें 5 मिनट अभी और टाइम लगेगा। ओह ठीक है ठीक है, हम लोग बिरयानी खाते हैं। हम लोग क्या खाएंगे भाई, आपका बिरयानी खाइए। क्या हुआ? हमको थोड़ा सा टेस्ट करके देखना है। अच्छा, देख रहे हैं आपका बिरयानी पे नजर है। क्यों, बिरयानी तो मेरे लिए सिर्फ था, तो एक चम्मच तो काफ़ी है मेरा खाने के लिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक चम्मच और लेना चाहिए था। साजिश लग रहा है इसमें हमको। एक चम्मच ऐसे ही बोल दिया, बड़ा वाला चम्मच इसमें रखा हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं यहाँ भी एक चम्मच। अब ये जा रहे हैं चाउमीन के लिए। देखिए 10 नंबर आ गया है काउंटर पे, देखिए 10 लगा हुआ है। मौसा कैसा लग रहा है? टेस्ट करके बता रहे हैं। इसका स्वाद काफी अच्छा है। इसका स्वाद जवाब है। इसे खाने के बाद आपको काफी हौसला मिलेगा। लगता है क्या? तो पहले ही बोले कि आलू अच्छा लगता है, लेकिन बिरयानी है। अच्छा, तो ये देखिए
बिरयानी का भी प्लेट हो गया है साफ। खाना बहुत टेस्टी था, बिरयानी भी टेस्टी था, नहीं बिरयानी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और चाउमीन कैसा लगा स्वीटी? मज़ा आया ना, मिक्स चाउमीन था खाने में, बहुत मज़ा आया। खाना है बोलो जुबा केसरी। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं पान खाने। देखिए ये लोग खाने आए हैं बनारसी पान। स्मोक पान खाने वाली हो स्वीटी तू? अभी चिमनी बनने वाला। तो देखते हैं इसका मुंह चिमनी कैसे बनता है, चलिए हम लोग देखते हैं। डर रही है तू? तो ये देखिए, ओ गॉड, ये लोग मेरे को भी बोल रहे थे खाने, लेकिन मैं तो मना कर दी। वो तो डर लगता है भाई। अब है इनका बारी। तेरी। ये दोनों तो धुआं धुआं हो गए। बस बस कैसा लगा? किक मिला नहीं? आपको कैसा लगा? जबरदस्त भाई, मेरे को भी ट्राई करना चाहिए था। नहीं नहीं हमको पानी नहीं पसंद। अब हम लोग घर जाने वाले हैं। ब्लॉगर बन गए, सस्ता ब्लॉगर। तो ये देखिए ये आ गए हैं गाड़ी लेके, अब हम लोग जाने वाले हैं। हम खा लिए हैं पान, हम खाएंगे गुटका। बोलो जुबा के, बोलो जुबा के। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कुछ मार्केट में भी कुछ खरीद लिए देखिए। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया दीदी? 8:15 हो रहा है। 8:15 हो गया। आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I will leave you.